सभी को नमस्कार आज के हमारे टॉपिक का विषय है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ओके हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर बात कर चुके हैं हम लोग ये भी जान लिए थे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मोटा मोटा तीन प्रकार का है लीनियर प्रोग्रामिंग ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग और मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग पर उसके डिटेल में हमने बात नहीं की थी तो आज हम उस डिटेल में बात करेंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कितने टाइप का है प्रकार क्या है उसके ओके सो लेट स्टार्ट दी टर्म प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी पिछला वीडियो बन चुका है तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के डिटेल में नहीं जा रहे हैं सिर्फ हम ये भी जानते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का अगर हम इतिहास पलट के देखते हैं तो हमको सिडनी एल प्रेसी की टीचिंग मशीन में सबसे पहले ये बात मिलती है जहाँ पर इस तरीके की इस तरीके के कार्यक्रम किए गए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी से जुड़े हुए तो दी टर्म प्रोग्राम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टर्म सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ है तो ये मिलता है हमको जाके दि टर्म प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज प्रोबेबली डिराइव्ड मतलब संभवतः लिया गया कहाँ से फ्रॉम बी एफ स्किनर्स पेपर

तो करेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी इन बिहेवियर चेंजेस जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में उसमें बी एफ स्किनर ने ये पेपर प्रेजेंट किया था द साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग इसमें संभवतः सबसे पहली बार यहाँ से इसका उद्भव हुआ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ओके तो अगर हम इसके टाइप्स देखना चाहें प्रकार देखना चाहें तो हम जनरली यही जानते हैं ना ये भी इसका ही प्रकार है बस दोनों के टाइप्स में क्या डिफरेंस है ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आ गया गलती से लीनियर प्रोग्रामिंग ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग और मैथिटिक्स प्रोग्रामिंग है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इसका क्लासिफिकेशन है और लर्नर कंट्र अच्छा ये इसका इंस्ट्रक्शन है ओके लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है ये वो हार्डवेयर बेस्ड इसका क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्टवेयर बेस्ड क्लासिफिकेशन में लीनियर ब्रांचिंग और प्रोग्रामिंग है और हार्डवेयर बेस्ड अगर हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन जिसको एल और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जिसको सी कहते हैं वो आता है तो सी पे भी हम बात कर चुके हैं तो अगर हम आज ये बात कर लें लीनियर मेथेटिक्स तो इस पूरे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में सिर्फ लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन रह जाएगा हम्म तो यहां से शुरू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है फाउंडर ऑफ दिस प्रोग्रामिंग इज बी एफ स्किनर बी एफ स्किनर हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया बिहेवियरिज्म में पढ़ा ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ेंगे और अब हम इनको लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग के जनक बी एफ स्किनर साहब हैं बेस्ड ऑन थेरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जब हम कंडीशनिंग पढ़ेंगे लर्निंग थियरीज में और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है अभी हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि ये इस सिद्धांत पर बेस्ड है और मोटा मोटा ये कंडीशनिंग क्या कहती है है कि जो भी हमको किसी व्यवहार का कॉन्सिक्वेंस मिलता है जैसा मिलता है उसी हिसाब से हम सीखते हैं जैसे अच्छा मिलता है हमको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है री मिलता है उस उस काम काम के लिए तो हम उस काम को करना सीख जाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस काम को होने की करने की और अगर गन खराब फीडबैक मिलता है रॉन्ग फीडबैक मिलता है नेगेटिव री है उसके लिए पनिशमेंट मिलता है तो हम उस काम को नहीं करते हैं या उस काम को सीखें इसकी प्रॉबिबिलिटी कम रहती है इस पर ही बेस्ड इन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई तो अब यहाँ पे फी, हम री इन्फोर्समेंट क्या होगा कि हमसे कोई सवाल पूछा जाएगा और अगर हम उसका सही उत्तर देते हैं तो हमको फीडबैक दे दिया जाएगा तो फीडबैक से हम अगर हमको बढ़िया फीडबैक मिलेगा तो हम सीखते हैं अच्छा सीखते हैं यही इसका जिस्ट है ओके और ये क्या कहता है इट टेल्स दैट अ सर्टेन डायरेक्शन कैन बी गिवन टू ह्यूमन बिहेवियर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है कि मनुष्य के व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है है ना जब आप पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग तो उसमें जानेंगे शेपिंग कि हम डिजायरेबल शेप दे सकते हैं स्टूडेंट को कि हमको कहाँ कहाँ से काटना है कहाँ से छाटना है उसके बिहेवियर को कैसे शेप करना है कहाँ पे पनिशमेंट देना है कहाँ री देना है तो एक निश्चित दिशा मनुष्य के व्यवहार को दी जा सकती है किसके थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू और ये किसकी सोच थी बी स्किनर की सोच थी हम्म तो अब हम जान लेने कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिसपे लीनियर प्रोग्रामिंग बेस है दरअसल ये एम एजुकेशन हो या एम एड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पेपर का बहुत पेट क्वेश्चन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ना तो वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं तो वो पूछते हैं ये भी पूछते हैं वॉट डू अंडरस्टैंड भी प्रोग्राम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर देयर And और अगर और कुछ जोड़ना हो तो ये भी पूछ लेंगे हाउ वुड यू डेवलप अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटीरियल मतलब पहले आप बताइए अभिक्रमित अनुदेशन क्या है फिर अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का है और आप एक अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण कैसे करेंगे टोटल ठीक है तो ये हमको जानना होगा हमको जानना चाहिए या शॉर्ट नोट्स में पूछ देंगे लीनियर प्रोग्रामिंग पे शॉर्ट नोट्स लिखिए या ब्रांचिंग पे लिखिए है ना तो प्रिंसिपल इसके क्या है कौन से सिद्धांत पे बेस्ड है स्मॉल स्टेप यानी कि छोटे छोटे चरणों में चलेंगे यानी कंसेप्ट को हम छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ देंगे फिर एक्ट एक्टिव रेस्पोंडिंग यानी कि आप जो हैं स्टूडेंट जो है जो टेस्टी है उसको पैसिवली नहीं बैठेगा उसको एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा तभी वो आगे के फ्रेम पर जा पाएगा फिर प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन यानी कि जो प्रोग्रामर है उसको तुरंत कंफर्मेशन देना होगा कि हाँ आपने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया यानी कि फीडबैक या आप इसको इमीडिएट फीडबैक भी कह सकते हैं कि हमको फीडबैक तुरंत देना है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग हमने पिछली बार भी बात की थी कि जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन करते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में तो स्वतः इसमें यह चीज जुड़ जाती है कि हमारा पेस जो है वो स्टूडेंट पेस के हिसाब से हो जाता है कि हम अपनी गति से चलेंगे किसी और की गति का हम पर नियंत्रण नहीं होगा और प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, की की टेस्टिंग होती रहेगी तो ये पाँच एकदम आपको टिप पर याद होने चाहिए स्टेप, एक्टिव सेल्फ पेसिंग, टेस्टिंग, ओके? देन, फ्रेम अगर हम फ्रेम की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग में कौन कौन से फ्रेम होते हैं चार तरीके के फ्रेम ये बता रहे हैं इंट्रोडक्टरी फ्रेम जिसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे टीचिंग फ्रेम जिसमें आप उस टॉपिक को पढ़ाएंगे प्रैक्टिस फ्रेम जिस पर उसका कुछ आ, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे ड्रिल ये चूंकि बिहेवियरिज्म है ना बिहेवियरिस्ट है ना बी एफ तो प्रैक्टिस भी कराएंगे और फिर टेस्टिंग या इवेलुएशन होगा आपका जैसे अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो फर्स्ट फ्रेम सेकेंड फ्रेम थर्ड फ्रेम फोर्थ फ्रेम फिफ्थ फ्रेम देखिए लीनियर इसीलिए इसका नाम है क्योंकि कोई जिग्जैक्ट मोशन नहीं है जो कि ब्रांचिंग में आपको मिलेगा और यहाँ देखिए प्राइमरी बिहेवियर हम फर्स्ट फ्रेम से चले और सीखते सीखते जब हम फिफ्थ फ्रेम में चले वही हमारा लास्ट बिहेवियर है और ये जो पथ है ये ये क्या है लर्निंग वे ऑफ लर्निंग कह सकते हैं ये आपके सीखने का अधिगम का मार्ग है है ना फर्स्ट फ्रेम में हमारे पास एंट्री बिहेवियर यहाँ पे हमको वो चीज नहीं आती थी और फिफ्थ फ्रेम में हम वो चीज सीख गए हैं तो सीखने का मार्ग क्या हो गया ये वाला मार्ग ये प्राथमिक व्यवहार प्रवेश के समय व्यवहार ये निर्गत के समय व्यवहार और जो फ्रेम है वो सब एक सीध में इसलिए कहते हैं लीनियर ठीक अच्छा एवरी फ्रेम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हैज थ्री आस्पेक्ट तो कह रहे हैं कि हर फ्रेम के तीन एस्पेक्ट होते हैं कौन कौन से स्टिमुलस रेस्पॉन्स री एनफोर्समेंट है ना हमको ऑपरेंट कंडीशनिंग पता है पता हो जाएगी अगर नहीं पता है तो और बिहेवियरिज्म तो पता है तो हम जानते हैं कि स्टिमुलस होगा उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा और रिस्पॉन्स पे अगर हमको री एनफोर्समेंट मिलता है तो वो रिस्पॉन्स देना हम सीखते हैं ओके okay, देन क्या इसके हैं एजम्स क्या हैं कि रॉन्ग रिस्पॉन्स आर इग्नोर्ड हेयर आप जब ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब आपको इससे खास अंतर पता चलेगा कि वहां त्रुटियों पर बहुत महत्व है और ये त्रुटियों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं इन्होंने त्रुटियों से मतलब ही नहीं ये कहते हैं कि जितनी कम त्रुटियां स्टूडेंट के सीखने के बाद में आएंगी वो इतना अच्छा सीखेगा इसीलिए इन्होंने स्मॉल स्टेप्स छोटे छोटे फ्रेम है थोड़ा सा पढ़ाया फिर पूछा थोड़ा सा पढ़ाया फिर पूछा तो जब थोड़ा सा पढ़ा के ही पूछते हैं तो जनरली हम सही आंसर देते हैं त्रुटि होने के चांसेस कम हो जाते हैं और जैसे ही हम सही आंसर देते हैं हम नेक्स्ट फ्रेम पर चले जाते हैं फिर जैसे ही सही आंसर देते हैं नेक्स्ट फ्रेम पर चले जाते हैं फिर यू और अगर रॉन्ग रिस्पॉन्स देते देते भी हैं तो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे उसको इग्नोर करता है ये प्रोग्रामिंग फिर यूज फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट स्टूडेंट्स द्वितीय स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है या प्रयोग की जाती है यानी कि आप एलिमेंट्री लेवल पर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चों के में उतना इंट्रेंसिक मोटिवेशन नहीं है फिर यूज फॉर लोअर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग दैट इज रिकॉल एंड रिकोगशन हम लोग जानते हैं ना रिकॉल रिकोगशन ये हमारा जब से हमने ब्रूम्स टेक्सोनॉमी जान ली तब से हम जान गए हैं कि आ, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एवेलेशन ये तो उनकी पुरानी टेक्सोनोमी थी तब भी उसके हिसाब से भी नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन है ना रिकॉल रिकोगशन ये सब नॉलेज कॉम्प्रीहन में आ जाएगा तो लोअर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग को तो हम अटेन कर सकते हैं यहाँ पर हर हायर ऑर्डर को नहीं अटेन कर सकते लिमिटेशन इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं क्या ये इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड है क्योंकि उसने तय किया है कि आप ये रिस्पॉन्स देंगे तो किस फ्रेम पर जाएंगे रॉन्ग रिस्पॉन्स को तो कुछ डील uh, ही नहीं किया जा रहा है इसका मतलब पूरा प्रोग्रामर का कंट्रोल है नो रेमेडी फॉर रॉन्ग रिस्पॉन्सेज है ना गलती पर कोई उस पर uh, कोई फीडबैक नहीं है कोई उसका सुधार नहीं है एंड एवरी लर्नर हैज़ टू फॉलो द सेम पाथ यानी हमको सबको 1 से 2 पे जाना है 2 से 3 3 से 4 4 से 5 यानी yani, कि अगर जो पहले हमसे सीख ले, हम उससे पूछ लेंगे कि इसका क्या आंसर है इसका क्या आंसर है वो हमको बता देगा ऐसे ही होता है ना तो चीटिंग में आकर यानी yani कि आप चीटिंग करने की संभावना इसमें बढ़ जाती है जो हमसे पहले जा चुका है वो उसी रास्ते गया है जिस रास्ते हमको जाना है तो वो हमको बता सकता है तो ये कमी है इसमें हम्म तो ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग फ्रेम्स होंगे एक लाइन में होंगे रॉन्ग रिस्पॉन्सेज पर कोई डिस्कशन नहीं है हाँ और स्मॉल स्टेप्स है और सबको एक ही पाथ फॉलो करना है प्रोग्रामर का कंट्रोल है ओके

नहीं कह रही कि आपको होलिस्टिक अप्रोच के संग बढ़ाना है तो आप तुलना भी करते चलिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट लर्निंग प्रोग्रामिंग विद ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ओके फिर नॉर्मैन ने इसको ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग नाम नहीं दिया था उसने इसको नाम दिया था इंट्रेंसिक प्रोग्रामिंग ब्रांचिंग तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्योंकि इसमें बहुत ब्रांचेस निकल आती हैं हम्म hmm, तो इंट्रेंसिक प्रोग्रामिंग का नाम क्यों दिया बिकॉज हे द लर्नर विद इन हिमसेल्फ मेक्स द डिसीजन टू टू लर्निंग हिज और हर नीड क्योंकि लर्नर तय करता है या उसके तय करते हैं कि वो कौन सा पथ चुनेगा यहाँ सब लोग एक पथ नहीं चुनते हैं ओके okay? और एक्सक्लूडिंग अच्छा ठीक है फिर प्रिंसिपल्स देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग के क्या प्रिंसिपल थे सेल्फ पेसिंग इमीडिएट फीडबैक student testing, स्मॉल स्टेप्स ऐसे करके पांच थे ना इसके तीन है कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस और प्रिंसिपल ऑफ रिमीडिएशन देखिए ये चूंकि सारा सारा ये रॉन्ग रेस्पॉन्स पे बेस्ड है जिसको कि लीनियर ने बिल्कुल छोड़ दिया था तो चूंकि रॉन्ग रिस्पॉन्स पे ये थेरी ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है इसलिए ये डायग्नोसिस और रिमिडिएशन पे इनके प्रिंसिपल बेस्ड है यानी कि हम डायग्नोस करेंगे कि क्या आपकी वीकनेस है और फिर उसकी रेमेडी देंगे और एक्सपोजिशन से क्या मतलब कि पूरा कंसेप्ट हम एक बार में एक्सपोज करेंगे आपके सामने क्यों क्योंकि ये ऑफ़ लर्निंग पे बेस्ड है। तो पहले एक्सपोज किया जाएगा एक्सपोजर होगा फिर डायग्नोसिस पता चल जाएगा कि आप कहाँ वीक हैं और फिर उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी ये हो गया इसके प्रिंसिपल्स, फिर टाइप्स ऑफ़ फ्रेम्स देखिए, देखिए पे आपका जिकजैक चल रहा है ना सीधा नहीं चल रहा है इसीलिए ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग और टाइप फ्रेम्स कितने टू टाइप्स ऑफ़ फ्रेम्स हैं होम पेज और रॉन्ग पेज होम पेज में होगा टीचिंग एंड डायग्नोसिस और रॉन्ग पेज में होता है रिमीडिएशन अब देखिए जैसे मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट फिर डेफिनेशन फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसमें टेस्ट हो रहा है तब तक आप गलत कर दे रहे हैं नेगेटिव हो रहा है तो फिर से जाके कन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हैं और अगर इसमें पॉजिटिव हो रहा है तो आप दूसरे पे चले जा रहे हैं उसी तरह से अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव है तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जब हम गलत आंसर देते हैं तो ये हमको उस फ्रेम पर ले जाता है जहाँ पे हमने जिस चीज़ का गलत आंसर दिया उसका एक्सप्लेनेशन है किसी सिंपलर लैंग्वेज में सिंपलर फॉर्म में ताकि आप हम उसको समझ पाए और फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर हम सही आंसर देते

फिर डायग्नोसिस वो कहते हैं जब गलती करता है छात्र तो पता चलता है वो कमी है है उसको नहीं समझ में आया फिर कौन ये कहता है कि आप उसकी गलती पर रेमेडी तो प्रोवाइड कीजिए जब आप रेमेडी प्रोवाइड करेंगे तब वो बेहतर सीखेगा और लास्ट बट नॉटली स्टूडेंट्स लर्न बेटर वेन देयर इज ए डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट हम्म तो ये बात हो गई ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की फिर उसके बाद Branching, programming में क्या है लर्नर नॉट बाई प्रोग्रामर मतलब जो आपका रिस्पॉन्स है वो लर्नर सेलेक्ट करेगा प्रोग्रामर सेलेक्ट नहीं करेगा लर्नर कैसे सेलेक्ट करेगा क्योंकि वो अपने हिसाब से गलती करेगा ना हर व्यक्ति एक जैसी गलती नहीं करेगा तो जैसे हम गलती कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे सामने फ्रेम आते जा रहे हैं इसलिए यहां पर प्रत्येक लर्नर एक पाथ फॉलो नहीं करता है इसलिए प्रोग्रामर का नहीं बल्कि लर्नर का कंट्रोल है इस पर हम्म फिर कंफर्मेशन ऑफ करेक्ट रेस्पॉस प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट वो कह रहा है कि जब हम सही रिस्पॉन्स देते हैं और उसका कंफर्मेशन हमको मिल जाता है तो यहाँ से हमको री इन्फोर्समेंट मिलता है फिर रॉन्ग रिस्पॉन्सेज हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द लर्नर जो गलत हमारे अनुक्रियाएं होती हैं वहाँ से ये पता चल जाता है कि हम कहाँ कमी है यानी कि कौन सा हिस्सा है जो कंसेप्ट का जो हमको नहीं समझ में आया फिर चूंकि इतना सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है इसलिए ये भी एलिमेंट्री क्लासेस के लिए तो यूजफुल नहीं है यूज फॉर सेकेंडरी एज वेल एज हायर क्लासेस ओके एंड हेयर हायर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीवड सॉरी हायर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव जबकि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ लोअर लेवल का रिकॉल रिकोग्निशन अचीव कर सकते थे यहाँ पर हायर ऑब्जेक्टिव यानी एनालिसिस एप्लीकेशन सिंथेसिस अचीव कर सकते हैं बट यहाँ भी कमी है लिमिटेशन क्या है यर मेन मेन इज ऑन दी डायग्नोजिंग वीकनेसिस ऑफ लर्नर्स नॉट ऑन लर्निंग यहाँ पर मुख्य uh, मुख्य इन्फेसिस या महत्व इस बात को दिया जाता है कि हम कहाँ कमी है कौन सी जगह वो कमज़ोर है कौन लर्नर इस बात पर नहीं दिया जाता है कि वो क्या सीख रहा है दूसरी बात नो सीक्वेंसिंग ऑफ पेजेस बहुत ये बहुत जिग्जैग हो जाता है ना बहुत उसका हैपजर्ड हो जाता है और इम्फेसिस ऑन रिमीडिएशन रादर टीचिंग यहां शिक्षण पर बल ना देकर बल्कि रेमेडी पर बल दिया गया है और सबसे खास जो इसकी कमी है इनफिनाइट ब्रांचिंग कैनॉट बी प्रोवाइडेड है ना हम एक सीमा तक तो आपको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं पर हम अनंत काल तक आपको रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर सकते या अनंत शाखित ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग नहीं बन सकती कि ये कमी हो तो ये कमी हो फिर ये कमी हो अगर यहाँ भी गलत हो यहाँ भी गलत हो कहीं ना कहीं हमको डीलिमिट करना पड़ेगा तो ये एक्चुअली में पूरी तरीके से ब्रांचिंग हम नहीं प्रोवाइड करते फॉर सम एक्सटेंड तक देते हैं ठीक है अच्छा फिर है मैथेटिक्स मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग का फाउंडर कौन है थॉमस एफ गिलबर्ट ये किस पे बेस्ड है बेस्ड ऑन कनेक्टिविस्ट थेरी ऑफ लर्निंग अच्छा जब आप लर्निंग थेरीज पढ़ते हैं तो हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म बिहेवियरिज्म कॉग्नेटिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड देन कनेक्टिविज्म तो जो कनेक्टिविज़्म है वो लेटेस्ट थी है बल्कि इसको डिजिटल एज की थेरी कहते हैं तो यहाँ कैसे गिलबर्ट साहब तो उन्नीस सौ में और लेट ये काम हो रहा था तो यहाँ यहाँ पे कनेक्टिविस्ट थेरी का मतलब है जब आप कनेक्टिविस्ट थेरी को सर्च करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट के पढ़ाने में भी इसका यूटिलाइजेशन है और आप जानेंगे अभी मैथेटिक्स में कि ये मैथेमेटिक्स पढ़ाने के लिए ही जनरली मैथमेटिक्स या ग्रामर पढ़ाने के लिए ही ये ब्रांचिंग ये प्रोग्रामिंग शुरू की गई है इसका इजाद हुआ हम्म इट इज अ रिवर्स चेनिंग अप्रोच देखिए ये चेन तो है पर रिवर्स है अब कैसे रिवर्स है अभी पता चलता है फिर <coughs> सॉरी फिर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ चेनिंग यानी कि हमको चेन में आपको आ, कड़ी के रूप में आपको आपके सामने फ्रेम रखने हैं फिर डिस्क्रिमिनेशन फिर उसके डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण करना है और फिर सामान्यीकरण करना है मतलब कड़ी बद्ध होना है श्रृंखला बद्ध होना है फिर विभेदीकरण और फिर सामान्यीकरण ये इसके सिद्धांत है और एजम्पन्स क्या है ये कह रहा है कि चेनिंग ऑफ रेस्पॉन्स इज हेल्प इन लर्निंग वो कहता है कि रेस्पॉन्स की जब चेन श्रृंखलाबद्ध हो जाती है हमारी अनुक्रिया तो वो सीखने में मदद करती है टू रीच अप टू मास्टरी लेवल यानी कि हमको एकदम मास्टरी लेवल तक पहुंचना है फिर रिवर्स है है? ना? रिवर्स क्या कह रही है? कि हम चेन तो प्रोवाइड करेंगे पर रिवर्स यानी कि फ्रॉम होल टू पार्ट यानी ऊपर से नीचे आएंगे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कॉम्प्लेक्स चीज पहले फिर उससे सिंपल फिर उससे सिंपल सिंपलर 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 लास्ट में सिंपलेस्ट और कंप्लीशन ऑफ टेस्ट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स यानी कि जब टेस्ट हमारा परीक्षण कंप्लीट हो जाता है तो ये छात्रों को अभिप्रेरित करता है और फ्रेम साइज इज ऑर्गेनाइज इन स्मॉल स्टेप बट इन रिवर्स चेन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग में स्टेज हमारे जो स्टेप्स थे फ्रेम्स का साइज था वो बहुत छोटा था लेकिन ब्रांचिंग में बड़ा था मैथेटिक्स में फिर छोटा है लेकिन चेनिंग उल्टी है रिवर्स चेन चल रहे हैं जबकि लीनियर में तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स गए थे यहाँ कॉम्प्लेक्स से सिंपल आ रहे हैं ओके फिर यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन फ्रेम्स और प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम्स एक में आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कंसेप्ट और दूसरे में प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा उसका फिर आर स्ट्रक्चर्ड एंड डिटरमाइंड बाय दी प्रोग्रामर यहाँ पे भी जो अनुक्रिया है वो स्ट्रक्चर्ड है यानी कि उसकी पहले से स्ट्रक्चर तय है और किसने तय की है प्रोग्रामर ने यहाँ भी रॉन्ग रेस्पॉन्सेज आर इग्नोर्ड यहाँ मेन पर्पज क्या है मेन पर्पज इज टू डेवलप मास्टरी ऑफ द कंटेंट यानी कि सॉरी जो कंटेंट जो कंटेंट आपको पढ़ाना है जो जिस कंटेंट पर आपको मास्टरी प्रोवाइड करनी है जिस जो कंटेंट पढ़ाना है उस पर आपको मास्टरी प्रोवाइड करना ही इसका मेन पर्पज़ है और किन विषयों के लिए उपयुक्त है मैथमेटिक्स या ग्रामर जैसे लॉजिकल विषयों के लिए उपयुक्त है एंड यूज फॉर हायर क्लासेस एंड यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क तो यहाँ पे भी एलिमेंट्री नर्सरी के जी एलिमेंट्री लेवल का बच्चा इसको नहीं प्राइमरी लेवल का बच्चा नहीं समझ पाएगा तो हायर क्लासेस और डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ये यूजफुल है लिमिटेशंस इसकी क्या है रेट्रोग्रेसिव चेनिंग ऑफ इज नॉट इफेक्टिव फॉर टर्मिनल बिहेवियर जो आपका टर्मिनल बिहेवियर है यानी कि एंट्री बिहेवियर तो जब आप प्रवेश कर रहे हैं टर्मिनल बिहेवियर जब आप निकल रहे हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्या रिट्रोग्रेसिव चेनिंग जो इसका थीम है रिवर्स चेनिंग है ना और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू तो डेवलप सच पैकेज वैसे ही प्रोग्राम लर्निंग बनाना मुश्किल है और इसको बनाना तो और भी मुश्किल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल आ रहे हैं होल से पार्ट में आ रहे हैं पार्ट से होल जाना हमको आसान लगता है ना क्योंकि हमने उसी तरीके से पढ़ा पढ़ाया है ओके तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वॉट डू अंडरस्टैंड बी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दें टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मींस सॉफ्टवेयर बेस्ड लीनियर ब्रांचिंग मैथेटिक्स तीनों हो गए और हार्डवेयर बेस्ड लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसमें से सी ए आई हम पहले ही पढ़ चुके हैं अब जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रश्न में एक चीज कभी कभी साथ में जोड़ के पूछ दी जाती है कि कैसे आप एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटीरियल को विकसित करेंगे तो उसके चरण देख लीजिए थ्री फेजेज हैं कौन कौन से प्रिपरेटरी फेज पहले हम प्रिपरेशन करेंगे डेवलपमेंट फेज विकास की अवस्था और इवेल्युएटरी फेज यानी मूल्यांकन अवस्था यानी कि प्रिपरेशन को क्या कहेंगे जैसे तैयारी ना पूर्व तैयारी तैयारी की का फेज विकास का फेज और मूल्यांकन का फेज तो प्रिपरेटरी फेज में हमको बहुत सब बहुत कुछ करना है प्रिपरेशन देखो सबसे बड़ी है और सबसे छोटा है प्रिपरेशन में सबसे पहले असॉर्टमेंट ऑफ कंटेंट। पहले ये सोचना होगा कि किस टॉपिक पे किस विषय वस्तु पे कितनी क्या चीज कवर करके हमको मटेरियल बनाना है फिर हम डिस्क्राइब करेंगे लर्नर्स मतलब किसके लिए बनाना है फिर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स यानी कि हमको ब्लूम्स एक्सोनॉमी के हिसाब से उनके ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम्स तैयार करने होंगे कि इस मेटीरियल को पढ़ने के बाद छात्र क्या क्या सीख जाएगा फिर एंट्री बिहेवियर ऑफ दी लर्नर्स है ना हमको ये देखना पड़ेगा कि पूर्व ज्ञान क्या है उसका एंट्री बिहेवियर क्या है तब उसको क्या आता है फिर डेवलपिंग स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ कंटेंट फिर हम कंटेंट का स्पेसिफिक आउटलाइन विकसित करेंगे एंड देन डिजाइनिंग द क्राइटेरिया टेस्ट फिर हमको एक टेस्टिंग बताना, बताना पड़ेगा ना कि ज... बिना मूल्यांकन किए तो आप आगे के फ्रेम पे भेजेंगे नहीं फिर जब डेवलपमेंट फेज पे आएंगे तब हम क्या करेंगे फ्रेम डिजाइन करेंगे डिजाइनिंग ऑफ द फ्रेम सीक्वेंसिंग ऑफ द फ्रेम नंबर वन पे कौन सा है टू पे कौन सा है थ्री पे कौन सा है कौन सा प्रोग्राम मटेरियल बनने जा रहा है लीनियर की ब्रांचिंग की मैथेटिक्स और फिर एडिटिंग ऑफ द प्रोग्राम हमको प्रोग्राम की एडिटिंग करनी होगी फालतू हिस्से हटाने होंगे वहां से एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूल्यांकन के बिना हम कोई भी मेटीरियल नहीं बना पाते हैं तो पहले इंडिविजुअल ट्राई और करके देखिए फिर स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट कर लीजिए और फिर फील्ड ट्राई आउट कर लीजिए तो हर ट्राई आउट के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या उसके शॉर्टकमिंग्स है और उसको हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे फिर स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट करेंगे फिर कुछ शॉर्ट कमिंग्स पता चलेंगे उसको भी ठीक कर लेंगे सुधार कर लेंगे और फिर फील्ड ट्राई आउट करने के बाद हमारा एक प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रेडी हो जाएगा ओके okay, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डन थैंक यू